पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सच्चम लोयम सारभूयम, सत्य लोक में सारभूत है। हमारी दुनिया में धर्म की महिमा है, धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा गया है। धर्म के अनेक प्रकारों में अहिंसा भी है, अहिंसा निवुणम दिट्ठा सब भूएषु संयमो, सर्व जीवों के प्रति संयम से अहिंसा जुड़ी हुई है। आदमी जीवों को जानता है, अजीवों को जानता है, तब वह अहिंसा और संयम की साधना जीवों और अजीवों के संदर्भ में कर सकता है। जैन साध्वाचार में अहिंसा पर सूक्ष्म ध्यान दिया गया है, अहिंसा निवुणम दिट्ठा, बहुत निपुण रूपेण अहिंसा को देखा गया है। और साधुओं के जीवन में तो अहिंसा महाव्रत होना चाहिए, और जो निर्दिष्ट भी है, और उस अहिंसा में सूक्ष्म जीव यानी जो स्थावर जीव हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, इन जीवों के प्रति भी अहिंसा का पालन करना यह निर्दिष्ट है। हरियाली आ गई है तो साधु हरियाली पर आशिका बैठना सोना न करे, एक सामान्य रूपेण। वर्षा हो रही है तो वर्षा में चलाकर गोचरी जाना हमारे यहाँ वर्जित है, अपकाय की हिंसा न हो जाए। चलो तो देख देख कर चलो, ईर्या समिति पूर्वक चलो, जीवों की हिंसा से बचने का प्रयास करो। रात में यों लंबा विहार करना, यानी अंधेरा है, अभी तो एक घंटा डेढ़ घंटा रात है, तो हमारी परंपरा में तो वो रात को विहार करना भी मान्य नहीं है। एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा अभी रात्रि है, रात को चलेंगे तो अहिंसा की साधना में बाधा पड़ सकती है। तो हमारे यहाँ वो डेढ़ दो घंटा रात है तब विहार कर देना, यह भी हमारी परंपरा में तो मान्य नहीं है, सम्मत नहीं है सामान्य रूपेण। तो यानी अहिंसा पर निपुणता से ध्यान दिया गया है। रात्रि भोजन का निषेध, सूर्य अस्त होने से लेकर सूर्य उदय हो, यह जो रात्रि काल है, इसमें साधु को न खाना न पानी पीना, इसमें भी अहिंसा अंतर्गर्भित है कि रात्रि में भोजन करेगा, पानी पिएगा, कहीं जीव जंतु मर सकते हैं, अंधेरे में जीव हिंसा हो सकती है, लाइट्स हो तो छोटे छोटे कोई जीव जंतु हो सकते हैं, तो अहिंसा की दृष्टि से भी रात में नहीं खाना पीना अनुकूल है।
साथ में संयम भी होता है। दिन में लेना था तो ले लिया भोजन पानी, अब रात में फ्री निश्चिंत खाना पीना ये चर्या संबंधी कार्यों से काफ़ी मुक्ति, अपना स्वाध्याय करो, ध्यान करो, लोगों को उपदेश दो, अच्छी बात करो या फिर सो जाओ नींद ले लो। तो रात को भोजन पानी से फ्री बहुत अच्छी व्यवस्था लग रही है, संयम है, रात में खाना पीना नहीं, और कभी प्यास लग जाए गर्मी में उसको समता से सहन करना है तो वो तपस्या भी हो गई। तो ये अहिंसा साधुओं के लिए भिक्षा की विधि है कि साधु खुद खाना नहीं पकाए, क्योंकि खाना पकाने में भी जीव हिंसा, त्रस्काय के भी जीव कोई मर जाए, वनस्पति काय अग्निकाय अपकाय कई जीव मर सकते हैं। साधु भोजन न पए न पयावे, न पकाना खुद को न दूसरों से पकवाना, दूसरे पकाएंगे साधुओं के लिए तो वहाँ भी हिंसा है। तो न पकाना न पकवाना तो जीवन कैसे चलेगा। कहा जहा दुमस्य पुप्फेसु भमरो आवियई रसम, नय पुप्फम किला में ई सोय पीणे ई अपयम, कि भ्रमर की तरह वृत्ति करो। भमरा है, एक फूल पर गया, थोड़ा सा रस पिया, सारा रस नहीं थोड़ा सा रस, अगले फूल पर गया थोड़ा सा, फिर आगे सारा रस नहीं पीता, थोड़ा थोड़ा रस लेता है। तो न तो फूल को क्लांत करता है, पुष्प को भी क्लामित नहीं करता, खुद का भोजन भी ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार भ्रामरी वृत्ति के रूप में साधु घरों डेरों आदि जहाँ भी जाए थोड़ा 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 भोजन लेकर इकट्ठा करके अपना काम चला ले, न साधु को पकाना पड़े न साधु को दूसरों से अपने लिए पकवाना पड़े। गृहस्थों के लिए जो सहज में भोजन बना है उसी में से अपना काम चला लिया, यानी अतिरिक्त हिंसा साधु के लिए न हो। ये अहिंसा संबंधी अनेक प्रसंग हैं। ये अहिंसा न्यूनम दिट्ठा, अहिंसा को निपुणता से देखा गया। साधु के कार आदि वाहन का उपयोग न करें यह नियम, कार आदि में यात्रा करें तो वहाँ भी जीव हिंसा, कीड़ों मकोड़ों की तो गिनती कौन करे, कुत्ता क्या, सांप क्या, बिल्ली क्या, दुर्घटना में आदमी तक की हिंसा हो सकती है। तो हम साधुओं की व्यवस्था है सामान्य रूपेण कार जैसे वाहन में यात्रा नहीं करना, सामान्यतया तो चलो, पैरों से चलो, शरीर को सहज में श्रम भी मिलता है, जीव हिंसा से बचाव हो सके कि देख देख कर चलो। कार में तो कौन क्या देखेगा, क्या मरता है क्या नहीं मरता है। तो धर्म का एक प्रकार है वह अहिंसा है, धर्म का अचौर्य भी प्रकार है चोरी नहीं करना। हम ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदारी खैर साधुओं की तो बहुत बड़ी बात है, महाव्रत की बात है, पर आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए अनुव्रत की बात है। तो गृहस्थ जीवन में ईमानदारी, ईमानदारी के दो आयाम हैं, झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करना। दो चीज़ें आ गई कि झूठ नहीं बोलना चोरी नहीं करना तो मानो कि संभवतः ईमानदारी जीवन में आ गई। ईमानदारी कई बार कुछ कठिन भी हो सकती है, जहाँ पैसे का प्रसंग है या स्वयं के मान अपमान का प्रसंग है, कोर्ट आदि पुलिस आदि के प्रसंग हैं, वहाँ भी ईमानदारी रखना, न कोर्ट में झूठ बोलना, न झूठी साक्षी देना, न किसी पर झूठा आरोप लगाना, खुद को दंड मिलेगा तो मिलेगा, झूठ बोलकर अपना बचाव नहीं करना, बहुत ऊंची बातें हैं।
पर आप लोग गृहस्थों में भी कोई कोई बहुत ऊंचे आदमी मिल सकते हैं, बड़े ईमानदार आदमी। मान लो वो कभी थोड़े बहुत लाभ के लिए झूठ नहीं बोलना, गड़बड़ी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना। तो यह ईमानदारी का संकल्प है। 100% हो तो बहुत बढ़िया, उतना न हो सके तो 90%, 80% जितना रख सके उतना तो ईमानदारी को रखने का प्रयास करना चाहिए। तो सारभूत, सत्य को सारभूत कहा गया है, एक सार है। आदमी का विश्वास सत्य के आधार पर हो सकता है। जो आदमी बार बार झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, उसकी बेईमानी सामने आ जाती है, फिर उसका विश्वास खंडित हो सकता, उसके प्रति लोग सोचेंगे यह तो झूठा आदमी है, बेईमान धोखेबाज आदमी है, आगे से इसका विश्वास नहीं करना है। तो विश्वास को कायम रखने का आधार है सच्चाई, ईमानदारी के पथ पर चलना। तो यह अध्यात्म है, धर्म है। इधर विज्ञान की बात है, हमारे वैज्ञानिक श्री केपी मिश्रा जी भी स्थित हैं। विज्ञान की रात्रि में बात हुई थी, अध्यात्म और विज्ञान दोनों में जहाँ खोज की बात है, तो अध्यात्म से यानी केवल ज्ञान होने पर जो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है वो सर्वज्ञता वाला ज्ञान, फिर कोई बात अज्ञात नहीं रहती। सर्वज्ञ बन गया, केवल ज्ञान हो गया, फिर एकदम सच्चाई सामने आ जाती है। हाथ में आंवला, यह हाथ की रेखाएं दिख रही है, ऐसे पूरा जगत सब सामने उसको ज्ञान से दिखने लग जाता है। तो अध्यात्म की साधना करते करते भी वो सच्चाई अतिंद्रिय ज्ञान से प्रकट हो सकती है। अध्यात्म और विज्ञान है, वो दोनों में समानता भी हो सकती है, कहीं कहीं असमानता भी हो सकती है। कि अध्यात्म में जहाँ मोक्ष प्राप्ति की बात है, अध्यात्म में राग द्वेष मुक्ति की साधना की बात है, अध्यात्म में आत्मा की प्रधानता है, हो सकता है। विज्ञान में वो राग द्वेष मुक्ति वीतरागतार सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र ये चीज़ें विज्ञान में न भी हों। विज्ञान में मोक्ष जाना वो अवधारणा वो लक्ष्य न भी हो, पर अध्यात्म में तो हमारे यहाँ मोक्ष को परम लक्ष्य माना गया कि मोक्ष के लिए हम साधना करें। और ज्ञान होता है वो एक निष्पत्ति है, यानी ज्ञान भी होता है, सर्वज्ञता आती है, पर वीतरागता बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मोहनीय क्रम को क्षीण करना, राग द्वेष मुक्त हो जाना वो खास बात है। राग द्वेष मुक्ति हो जाती है फिर केवल ज्ञान तो होगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो हम जो गृहत्यागी हैं उनकी मुख्य यह साधना वीतरागता, हमारे व्यवहार में आचरण में क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष इनसे बचने का प्रयास रखें। राग द्वेष नहीं, और अपने महाव्रतों के प्रति जागरूकता हमारी बनी रहे। तो साधु के तो महाव्रत हैं, सर्व प्राणातिपात विरमण पहला महाव्रत है, सर्व मृषावाद विरमण दूसरा महाव्रत है, सर्व अदत्ता दान विरमण तीसरा महाव्रत है, सर्व मैथुन विरमण चौथा महाव्रत है, और सर्व परिग्रह विरमण यह पांचवा महाव्रत है। एक व्रत है सर्व रात्रि भोजन विरमण व्रत, यह व्रत है रात्रि भोजन नहीं करना। तो पांच महाव्रत, छठा यह व्रत है। तो ये महाव्रत साधु के हैं। ये दुनिया के कीमती से कीमती हीरे से भी ज़्यादा कीमती मेरी दृष्टि में है।
दुनिया का कितना ही बड़ा हीरा कोई लाकर के रख दे कि करोड़ों की कीमत का हीरा है, पर एक साधु के लिए वो करोड़ों की कीमत का हीरा कोड़ी के समान है। कोड़ी वो ना कुछ सा है, जैसे मिट्टी पड़ी है, अब थोड़ी सी मिट्टी का क्या महत्व है। तो साधु के लिए उस करोड़ों की कीमत के हीरे का महत्व इस मिट्टी के समान मान लेना चाहिए, क्योंकि साधु के पास जो महाव्रत रूपी हीरे हैं उन हीरों के सामने आपके जो हीरे हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत तुच्छ हैं। आप लोगों के पास तो हीरे कईयों के पास होंगे, कितनी ज्वेलरी की दुकानें मुंबई में होंगी, जगह जगह ज्वेलरी ज्वेलरी ज्वेलर्स ज्वेलरी रखती है, तो आपके पास तो वे चीज़ें हो सकती है कीमती, कुछ कीमती चीज़ें, फिर आप यहाँ क्यों आते हो। आपके पास तो कीमती चीज़ें कईयों के पास होगी तो बहुत धनाढ्य हैं, उनके पास तो हो सकती है, तो यहाँ हम तो अकिंचन फकीर हैं, हमारे पास कौन से वो कीमती, हमारे पास आप क्यों आते हैं। इसका मतलब आपके पास जो चीज़ें हैं उससे भी बढ़िया चीज़ हमारे पास है, तब आप हमारे पास आते होंगे। तो साधु के पास जो महाव्रत हैं, वो अमेरिका चले जाओ, बड़े से बड़े धनाढ्य देश में कोई चले जाए कि वहाँ इतनी बढ़िया चीज़ है, वो मोल है, वो हीरे, वो मोती, कितनी बढ़िया चीज़ कि वो इतना बढ़िया हार है, सारी की सारी वे भौतिक चीज़ें हमारी दृष्टि में साधु के महाव्रतों के सामने ना कुछ जैसी चीज़ें होती है। तो महाव्रतों का बड़ा महत्व है। ये आपके हीरे हैं, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन तक आपके काम आ जाएं, बाद में क्या आएंगे, इस जीवन तक काम आ जाएं, पर हमारे जो हीरे हैं उनका प्रभाव आगे भी रह सकेगा, ठेठ मुक्ति तक ले जाने में ये हमारे हीरे हमारा सहयोग कर सकेंगे। और मुक्ति जो आत्मा जाती है, श्री केपी मिश्रा जी से बात हुई, मैंने कहा हमारा यह सिद्धांत है जैनिज्म में कि जब आत्मा मोक्ष में जाती है, यहाँ आत्मा है और मोक्ष कितना दूर, सूर्य है, वहाँ से भी और कितना 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 ऊंचा मोक्ष का स्थान है, वो आत्मा जो मोक्ष में पहुँचती है यहाँ है और मोक्ष में है, एक सेकंड भी नहीं लगता, एक सेकंड का करोड़वां अरबवां हिस्सा कर दो वो भी नहीं लगता, इतने में वो आत्मा यहाँ से वहाँ हो जाती है। तो ये विज्ञान की जो बात है कि अभी विज्ञान के पास ये अवधारणा इस रूप में आई कि नहीं कि मोक्ष तक पहुँचना होता है एक सेकंड भी नहीं चाहिए, एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नहीं, और कम इतने हिस्से में आत्मा यहाँ से वहाँ हो जाती है। हमारी जैनिज्म की भाषा में टेक्निकल एक समय मतलब टाइम का न्यूनतम हिस्सा, सेकंड का भी कितना कितना कोई हिस्सा करे तब वो एक समय की बात है, इतने सूक्ष्म समय में मोक्ष जाने वाली आत्मा यहाँ से वहाँ हो जाती है। और जो अफूसमान गति, फूसमान गति की बात है, क्या वो प्रक्रिया है, क्या नियम है, पर एक समय की गति यहाँ है और वहाँ है। तो यह विज्ञान में जो बातें जो अब हमारे जैनिज्म में हैं, मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी थे तो वो साइंस और अध्यात्म और विज्ञान की जो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, तो अब ऐसी कॉन्फ्रेंस है उसका अपना मूल्य महत्व हो सकता है, पर साइंस में भी कई अवधारणाएं मिल सकती हैं, कई अवधारणाएं अध्यात्म के पास है और अध्यात्म की कोई कोई अवधारणा फिर विज्ञान उसका प्रयोग करके सिद्ध कर दे तो अध्यात्म की बात और ज़्यादा आम जनता के लिए विश्वास के लायक बन सकती है। हालांकि कहीं कहीं विश्वास कोई करे न करे, पर जो सच्चाई है वो तो है ही, कोई विश्वास करे अथवा न भी करे, अगर सच्चाई है तो सच्चाई है ही, पर अध्यात्म का जो सिद्धांत है व
को विज्ञान के द्वारा स्थापित कर दिया जाए, सिद्ध कर दिया जाए, प्रयोग से बता दिया जाए, तो फिर आम पढ़ा लिखा प्रबुद्ध आदमी है वो उस पर आसानी से, सही बात है, अध्यात्म की बात तो है ही, पर विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया। अब वनस्पति में जीव हैं, ये अध्यात्म का तो सिद्धांत है ही कि वनस्पति में भी जीव है, पर विज्ञान ने जगदीश चंद्र सिद्ध हो गया। अब कोई भी आदमी विपड़ा लिखा देख लो, हमारी बात तो है ही, विज्ञान के द्वारा भी सम्मत है कि वनस्पति सजीव होती है। तो विज्ञान बड़ा सहयोगी बन सकता है अध्यात्म के सिद्धांतों को बहुत बल के साथ बताने में। अध्यात्म अकेला है, विज्ञान मिलने से दो हो गए, अकेला है दो हो गए तो शक्ति बढ़ सकती है। तो दो मिल बावन वीर, दो मिल जाते हैं, एक एक ग्यारह हो सकते हैं, दो मिल जाते हैं तो थोड़ा अकेला बच्चा है कि रात को डर लगता है, एक साथ में एक और हो गया अब डर नहीं लगता कि साथ में और है मेरे। तो अध्यात्म अपने आप में भी मेरे ख्याल से तो ऐसे तो बड़ा सक्षम तत्व है, फिर भी अब ग्रंथों की बातें हैं, कोई लिखने में भूल हो गई, क्या हो गई, मान लो कोई मन में आ जाए, पर उस बात को विज्ञान ने प्रैक्टिकल रूप में, प्रयोग के रूप में सिद्ध करके दिखा दिया, फिर तो शंका को कहाँ कितना स्थान है। भी हमारी बात तो है ही ग्रंथों में, आगमों में, शास्त्रों में, अरे विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है। अब द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, अध्यात्म शास्त्रों ने बताया और विज्ञान ने उसको सिद्ध कर दिया, अब और तो क्या, अब डाउट की क्या अपेक्षा है। तो अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों एक दूसरे के सहायक भी बन सकते हैं, एक सहचर रह सकते हैं। तो हम अध्यात्म का उपयोग करें और जहाँ अपेक्षा विज्ञान को भी साथ में जोड़ दें तो दोनों मिल जाते हैं, तो बात सच्चाई और ज़्यादा मजबूत बन सकती है और लोगों के लिए विश्वास लायक भी और ज़्यादा बन सकती है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवीसु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमी समणीणाय पुत्ते।